अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये मेरी वालदा है और ये मेरे ननन है। इससे पहले भी मैं वालदा को ले लेकर मेरी ननन के लिए भी मतलब छोड़ना नहीं थे। मेरे सगे खाला सास है और उनके बच्चे हैं, इनको रख लेकर काम वगैरह ले रहे थे। इनसे जहनी तवाजुन ठीक नहीं है, इन्हों भी मुँह कर काम वगैरह सब कर ले रहे थे, तभी भी हमारे को बहुत परेशान करे इनको लाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह घर को आ गए, आप सब बहन भाइयाँ मिलके हमारे को मदद करे, माली ताउन से मदद करे, हमारा जहन के तरफ से मदद करे, सब जगह से हमारे को आप लोगों के तरफ से आप लोगों का जरिया बने। आज भी जिंदगी शुक्र अदा करूँगी मैं। अब एक हाथ की सर्जरी भी हो गई, अब सेकेंड सर्जरी कराना है हमारे को। मेरे ससुरे रजिस्टर्ड ऑफिसर थे मोहम्मद अशफाक अहमद सिद्दीकी, उनके इन फर्स्ट वाइफ है और मेरे हस्बैंड हैंडीकैप है जी। मेरे हस्बैंड भी हैंडीकैप है और मेरे सास हैंडीकैप है, ननन हैंडीकैप है। हाँ, अब हम लोग बाहर वालों से मदद ले लेते, भाई बहनों से, मुसलमान भाई बहनों से जी। तो अब ये सारे लोग मिलकर हमारे को ये टॉर्चर कर रहे। हम सीजीएस कार्ड पूछे, क्योंकि सास पहले वहाँ रहा करते थे हमारे जी, इनकी सगी छोटी बहन के साथ रहा करते थे। उन्हों आसिफ नगर जेबाबाग में रहे थे। तो हम लोग अब सीजीएस कार्ड और अम्मी का हैंडीकैप सर्टिफिकेट, इनका पिंशनर पासबुक ये वगैरह सब पूछ रहे। तो बोल रहे कि कल देते परसों देते, हमारे पास नहीं है। हम लोग अब बहुत परेशान हैं। पहले हमने भीख मंग के फर्स्ट सर्जरी कराए, अल्लाह रसूल जानता, सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, इनकी सर्जरी हुई। सो दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, 1.5 साल से इलाज करा रही हूँ मैं। आज सीजीएस कार्ड पूछे ताकि हमारी परेशानी थोड़ी कम हो जाना। हाँ, ये मेरे ससुरे को है सो हेल्थ कार्ड की तरह गवर्नमेंट सर्वेंट है बोल के CGHS कार्ड मिला था, जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए। उल्टा मेरे सास कुछ पूछो तो बोल रहे, उनके भी डॉक्यूमेंट्स ले लेके चले गए। कहते हालत देखिए, हाथ पैर से माजूर है मेरे सास। मैं भाव हूँ, मेरा इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है, मैं सिर्फ एक हमदर्दी के नाते साथ देती हूँ, क्योंकि मेरे शौहर की हमदर्दी मेरे साथ है, मेरी हमदर्दी ये लोगों के साथ है जी। मेरे शौहर को भी पोलियो अटैक है, मेरे सास को भी है सो ऐसा हुआ सो है। ननन हाथ से आप देखिए मेरे ननन का हाथ, आप हाथ से मेरे ननन माजूर हो जा रहे, जहनी तवाजुन ठीक नहीं है। माहाना खर्चा 5 से 5,500 रुपये है, आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब परेशानी ये हो रही, पूरी प्रॉपर्टी ले लिए, 2 एकड़ जमीन है हाईटेक सिटी में, नाम पे कर लिए, हम पूछ के नहीं देखे, आज भी नहीं पूछ रहे हम लोग। ये हमारे खाला सास उनके बच्चे पूरा नाम पे करा लिए। मेरा नाम बाजिका सिद्दीका है, मेरे बहन के साथ, मैं छोटी बहन के साथ रहते थे पहले, उनके पास मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उधर ही थे, मेरे इंडिया सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट पासबुक सब उधर ही थे। मेरे को कुछ भी नहीं दे रहे, जब दे आप जैसे जब जैसे बोल के वैसे फिर आते जा रहे। मेरे आप लोगों की तरफ से मेरे को थोड़ा माफ करिए। कब से यहाँ पे? 1.5 साल से है ही था। इसके पास रह रहे आप अभी? अब मेरे बेटे के साथ है मैं। आप यहाँ खुश है? हाँ, अल्लाह का से सब खुश है। फिर वहाँ कहीं को, वहाँ से कहीं को आ गए थे आप? मेरे तबीयत ठीक नहीं होने से मैं इधर आ गए थे। अच्छा, वो लोग नहीं देख रहे थे? नहीं देखते थे, मगर फिर भी मैं ही मेरे बेटे के पास रहना बोल के आ गए। अच्छा, तो फिर आप आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वहाँ पे? और मेरे वही थे डॉक्यूमेंट्स दिए तो बस है मेरे का, और कुछ नहीं। जाना चाह रहे फिर? नहीं, इधर ही रहते, यहीं रहते हैं। मेरे बेटा ही थी, मेरे को मेरे बेटी के ला के पूरा सर्जरी उजरी सब करा दिए। अब मेरे को कुछ ही मदद होना बोल तो उसको अभी सेकंड सर्जरी कराने का है मेरे को, इसलिए मेरे को होना वो कार्ड, हेल्थ कार्ड। किसके पास रखे हुए कार्ड? ये हमारे छोटी बहन के पास। क्या नाम उनका? नाजिया सिद्दीक। कहाँ रहते हो? आसिफ नगर जेवाबाद में। लोगों को बस इतना ही ये वीडियो में बोलना है कि इतना ही चाहिए ये वीडियो से कि मेरे सास का जो सीजीएस कार्ड, पिंशन कार्ड और है सो हैंडीकैप सर्टिफिकेट, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इनके वहाँ रखे हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स ये इनकी सगी छोटी बहन के पास रखे हुए हैं। नाजिया सिद्दीका हैं, उनके बेटे से लगभग 8 से 10 बार बात हुई, अल्ताफ अहमद सिद्दीकी है उनका नाम, उनका आसिफ नगर में रहते जेबाबाग में। वो लोग नहीं दे रहे, ला कर दियो बोले तो भी नहीं दे रहे, व्हाट्सअप फोटो डाल दो बोले हम पूरा नहीं भी दिए तो, वो पुराने फट्टे पेपरा हैं, फट गए बोले। बस आप लोगों से इतना ही मैं चाह रही हूँ।
बस हमारे साथ आ जाना, प्रॉपर्टी वगैरह सब लेकर रख लिए ना। प्रॉपर्टी इनके नाम पे है? नहीं, प्रॉपर्टी इनके नाम पे भी नहीं है। हमारे ससुरे मर गए, बाद से जजमेंट आ गया था, केस जीत गए थे, अपने नाम पे कर लिए वो लोग कर लिए ना। मेरे ससुरे करे सो है उनके नाम पे, ना तो मेरे सास करे सो है। जी लीगल तरीके से वाइफ मेरे सास है। प्रॉपर्टी कैसा कर लिए? हाँ, उनके साथ रहते थे ना सर। तो निकाह नहीं हुआ पर ना? जी निकाह नहीं हुआ, हमारे सास ऐसे माजूर है ना, डरा धमका के अपने नाम पे कर लिए। जो पासबुक रख लिए इनकी, तो पिंशन वगैरह भी आती क्या? हाँ, पिंशन वगैरह हमारे को पिंशन आती, एक साल से आती, 6 महीने उन्होंने ले लिए, 1 साल से हमारे को पिंशन आती। पिंशन के उससे ही इनकी सर्जरी कराने के लिए हम लोग सोचे, सीजीएस कार्ड होना जरूरी है हमारे को। बस यही गुजारिश है हमारी।